महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ऐसा सियासी बवाल खड़ा हुआ कि हर ओर हल्ला मच गया। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर ऐसे आरोप लगे जिससे कि मुश्किलें बढ़ सकती है। वो आरोप है 5 करोड़ रुपए बांटने के। इन सब की शुरुआत हुई मुंबई के नाला सोपारा इलाके के होटल से। दरअसल मुंबई के नाला सोपारा में एक होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में करेंसी थी। वो लहरा रहे थे और आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले हैं क्षितिज ठाकुर, जो कि बीबीए उम्मीदवार हैं और नाला सोपारा सीट से ये इस बार मैदान में है। इस मामले में एक और नाम सामने आया है, वो है हितेंद्र ठाकुर का। अब आपको तफसील से बताते हैं आखिर क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर हैं कौन। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, 6 बार के विधायक हैं और एक बड़े कारोबारी भी। दरअसल मुंबई से सटा एक इलाका है वसई, यहीं हितेंद्र का जन्म हुआ और यहीं से राजनीति में एंट्री भी हुई। साल 1988 में हितेंद्र ठाकुर सक्रिय राजनीति में आए। शुरुआत में हितेंद्र कांग्रेस में शामिल हुए। साल 2009 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है बहुजन विकास अघाड़ी। हितेंद्र ठाकुर और इनके परिवार का दबदबा पालघर और आसपास के 3 सीटों पर रहा है, तभी तो 90 के दशक से हितेंद्र का जलवा राजनीति में बरकरार है। साल 1990 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर वसई विधानसभा सीट से हितेंद्र ठाकुर विधायक चुने गए। फिर साल 1995 में हितेंद्र निर्दलीय विधायक चुने गए और साल 1999 में भी हितेंद्र ठाकुर निर्दलीय विधायक चुने गए। साल 2004 में जीत का सिलसिला बरकरार रहा और निर्दलीय के तौर पर हितेंद्र ठाकुर चुनाव लड़े और जीत भी मिली। फिर साल 2014 में बहुजन विकास अघाड़ी के टिकट पर वसई विधानसभा सीट से हितेंद्र विधायक चुने गए। जीत का सिलसिला 2019 में भी जारी रखा और बहुजन विकास अघाड़ी के टिकट पर वसई विधानसभा सीट से फिर से विधायक चुने गए। हितेंद्र ठाकुर जाने माने कारोबारी भी हैं। हितेंद्र के पास संपत्ति भी अरबों में है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक हितेंद्र की चल संपत्ति 39 करोड़ रुपए की है और हितेंद्र की अचल संपत्ति करीब 46 करोड़ की है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति 23 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी पत्नी के पास 24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अब आपको बताते हैं क्षितिज ठाकुर के बारे में, जिनका नाम इस कैश कांड के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्षितिज लगातार 3 बार और 15 साल से विधायक है। 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नाला सोपारा विधानसभा सीट से 26 साल की उम्र में पहली बार बहुजन विकास अघाड़ी के टिकट पर विधायक बने। 2014 में दोबारा नाला सोपारा सीट से विधायक चुने गए और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर से विधायक बने। हालांकि हितेंद्र ठाकुर कई मौकों पर बीजेपी को अपना समर्थन भी दे चुके हैं। 2024 चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में हितेंद्र ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन अब नया विवाद सामने आया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले।